गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी रीड चैप्टर 8 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग पेज नंबर 67 पार्ट 3 अ गुड हाउस। वेदर अ हाउस इज बिग और स्मॉल, सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड, इट मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स टू बी अ गुड कंफर्टेबल हाउस। घर बड़ा होता है या छोटा, एक मंजिला होता है या बहुमंजिला, घर अच्छा और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड टू रिसीव प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। घर हमेशा हवादार होना चाहिए, जहाँ पर शुद्ध हवा और प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। इट शुड हैव डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश ऑन देम टू स्टॉप इंसेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इन। घर में खिड़की और दरवाजे होने चाहिए और खिड़की दरवाजों पर बारीक बनी हुई, महीन बनी हुई जालियां होनी चाहिए, जिससे कीटाणु या इंसेक्ट अंदर प्रवेश ना कर सकें। इट शुड बी क्लीन, टाइडी एंड फ्री ऑफ जर्म्स। घर साफ सुथरा, स्वच्छ और जर्म्स फ्री होना चाहिए। हमारे घर में जर्म्स नहीं होने चाहिए। इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर। घर में सुरक्षित रहने के लिए उसका लॉकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्विक रिकॉल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर ओरली इजीली दे पाएंगे। फर्स्ट, वेयर इन इंडिया विल यू फाइंड हाउस बोट्स। हमने चैप्टर में पढ़ा कि हाउस बोट्स कहाँ, हमारी इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर एंड केरला। ओके, सेकंड, व्हाट आर इग्लूज। इग्लूज क्या है? इग्लूज आर बिल्ट ऑफ स्नो। इग्लू बर्फ के बने हुए घर हैं। व्हाई आर पक्का हाउसेज एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। पक्का हाउसेज महंगे क्यों बनते हैं? बिकॉज द मटेरियल्स यूज्ड इन देम आर कॉस्टली। इनके बनने में जिन मटेरियल का यूज़ होता है वे बहुत महंगे होते हैं। एंड मोर लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट देम। और इनके बनने में अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, कई सारे काम वाले लगते हैं, तब ये घर बन पाते हैं। टॉपिक देखिए नेक्स्ट, क्लॉथिंग। लाइक अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड इंसेक्ट्स। आवर क्लॉथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। जिस तरह घर हमारे बदलते हुए मौसम और कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार हमारे कपड़े भी गर्मी, सर्दी, बारिश, धूल और कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। हम डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कि निर्भर करते हैं जिस जगह में हम रह रहे हैं वहाँ के मौसम के अनुसार। वी ऑल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेशन और द प्लेस वी गो टू। हम कपड़े पहनते हैं जहाँ हम जाते हैं उस जगह के अनुसार और अवसरों के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, आपको विद एग्जाम्पल दिखाया गया है, बताया गया है। वी वेयर अ यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं
तो हम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स व्हेन वी आर एट होम और ऑन अ पिकनिक। जब हम पिकनिक जाते हैं तो हम, या घर पे रहते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ढीले ढाले और कंफर्टेबल, आरामदायक कपड़े पहनते हैं। एंड वी वेयर ब्राइट कलरफुल क्लॉथ्स व्हेन वी गो टू अ पार्टी। और जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? रंग बिरंगे और चमकीले कपड़े पहनते हैं। सीजनल क्लॉथ्स, मौसम के अनुसार कपड़े। वी वेयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। हम कपड़े जलवायु के अनुसार भी पहनते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट। विभिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न तरीके का मौसम होता है। जैसे प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड पंजाब एक्सपीरियंस समर विंटर एज वेल एज रेनी सीजन। जिस तरह दिल्ली पंजाब में गर्मी, ठंडक और बारिश का मौसम होता है, इन दीज प्लेसेस पीपल वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो इन जगहों पर लोग मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। दे वियर लूज कंफर्टेबल एंड स्वेट एब्जॉर्बिंग क्लॉथ्स। वे ढीले ढाले, आरामदायक और पसीना सोखने वाले कपड़े पहनते हैं। जनरली मेड ऑफ कॉटन इन समर्स टू कीप देम कूल। वे अधिकतर कॉटन, रुई के बने हुए होते हैं, और सूती कपड़े होते हैं, सूती कपड़ों के बने हुए होते हैं, और वे गर्मी में ठंडक देते हैं। इन विंटर्स दे वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल, फर और स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कीप देम सेल्व्स वॉर्म। वे सर्दियों में ऊन, फर और जानवरों की खाल से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं ताकि वे उन्हें गर्म रख सकें। दे वियर रेनकोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट व्हेन इट रेन्स। वे बारिश से खुद को बचाने के लिए रेनकोट, अम्ब्रेला और गम बूट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे सूखे रह सकें और खुद को बचा सकें। प्लेसेस लाइक केरला, तमिलनाडु ETC एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। केरला, तमिलनाडु जैसे देशों में गर्म और शुष्क वातावरण साल भर रहता है। पीपल लिविंग इन दीज प्लेसेस वियर लाइट, कंफर्टेबल एंड लूज क्लॉथ्स। यहाँ के लोग हल्के कपड़े, आरामदायक और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरियाज फेस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कई पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग वर्ष भर पड़ने वाली ठंड से बचने के लिए उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। People here wear thick woolen cloths to protect themselves from the cold. यहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं खुद को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। Next topic है आपका fibers. Fibers means रेशे। Cloth is made from fibers. जो कपड़े होते हैं वो रेशों से बने हुए होते हैं। Many fibers when twisted together make yarn. कई सारे रेशे मिलकर yarn, धागे का निर्माण करते हैं। These yarns are used to make a fabric. और ये धागे मिलकर कपड़े का निर्माण करते हैं। One or more fabrics are then stitched together to make a dress. एक या एक से अधिक कपड़ों को सिलकर कई तरह की ड्रेसेस बनाई जाती हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर शॉर्ट हेयर लाइक थ्रेड्स। जो फाइबर्स होते हैं रेशे होते हैं या छोटे छोटे बालों जैसे होते हैं
धागे जैसे होते हैं, धागे नुमा होते हैं। फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, रेशे के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड, प्राकृतिक रेशे और मानव द्वारा बनाए गए रेशे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स ईटीसी। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स आदि। एनिमल फाइबर्स इंक्लूड वूल एंड सिल्क दैट कम फ्रॉम एनिमल हेयर फॉर ईटीसी। जो एनिमल फाइबर होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि एनिमल के बाल हुए, एनिमल के फर हुए, बॉडी फर, तो वो होते हैं लाइक वूल, सिल्क, ये एनिमल फाइबर है। ओके okay?